कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं फौज छोड़ के एक्टिंग में आ गया। उनकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा और इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा फौज ज्वाइन करता हूँ। लेकिन कोई भी डिसीजन लाइफ में लेने से पहले आपके पास सही गाइडेंस होना जरूरी है, इसलिए मैं गाइडेंस लेने कैप्टन धर्मवीर के पास चला गया। आई ऑलवेज लुक अप टू सर, और जैसे ही मैंने सर से गाइडेंस मांगा, सर ने मुझे अपना वर्कआउट शेड्यूल दे दिया, बोला ये लो अपने आप को एकेडमी के लिए दोबारा से तैयार करो। सर का वर्कआउट शेड्यूल खत्म करते ही मेरी अकल ठिकाने लग गई और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी रगड़ा खाने की उम्र चली गई है। ऐसा वर्कआउट शेड्यूल सिर्फ सर ही फॉलो कर सकते हैं, मेरे बस की तो बात नहीं है। पर मैं लाइफ में गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, इसीलिए मैं सेकंड ओपिनियन के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर के पास चला गया। सर के साथ मैं 2 घंटा बैठा रहा और उस पूरे 2 घंटे में सर ने एक भी शब्द नहीं बोला। बस एक ग्लास में 60 ml कुछ काले कलर का चीज़ डालते गए और मैं उन पे भरोसा करता गया और पीता गया। उस चीज़ को पीते ही मेरे आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया, पर मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया और मुझे समझ में आया कि जितने भी लोग दुखी है वो मुझे फॉलो नहीं करते, इसीलिए मैंने भी उनका आइडिया अनफॉलो कर दिया। लेकिन एक दिन मैं अपने अच्छी एक्टिंग से आपको भी फॉलो ज़रूर करवाऊंगा।